अभी अभी हमने देख लिया है कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है तो अब हम देख लेते हैं कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे हैंडल करते हैं तो सबसे पहला रूल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए होता है वो होता है काउंटिंग के लिए तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट एग्जैक्टली exactly कैसे करते हैं उनके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रूल्स हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उन रूल्स का मतलब क्या है तो सबसे पहला रूल है दैट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसका मतलब है, पहला नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इस केस में आप देखेंगे तो लेफ्ट में सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो वन है तो ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया नेक्स्ट रूल क्या कहता है

देन द लास्ट डिजिट ऑन द राइट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एल एस डी वेदर इट इज़ ज़ीरो और नॉन ज़ीरो अब अगर हम तीसरा नंबर देखें तो क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है तो जो राइट पर लास्ट डिजिट होगा हमारा इस केस में ज़ीरो ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा यहाँ पर मैंशन किया हुआ है जीरो नॉन ज़ीरो कुछ भी हो यही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ठीक है और लास्ट रूल जो है वो है ऑल डिजिट्स बिटवीन द एम एस डी एंड दी एल एस डी आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग द एम एस डी एंड एल एस डी इसका मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और उनके बीच के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे तो इन रूल्स के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर इन चारों नंबर्स के लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने की कोशिश करें मैं आशा करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा और हर एक केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल लिए होंगे अब हम देख लेते हैं कितने आते हैं हर एक केस में तो पहले केस में हमारे पास डेसिमल पॉइंट है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम पहले ही निकाल चुके हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इस केस में होगा द लास्ट डिजिट ऑन द राइट तो यहां पर फोर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया अब मैं अगर काउंट करूं तो मेरे पास चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए इन चारों को गिन लूँ तो तो इस केस में चार डिजिट्स हैं सेकेंड केस में अगर मैं देखूं

और लास्ट केस में अगर मैं देखूं तो यहां ये ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा वन मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है और सिंस मेरे पास एक डेसिमल पॉइंट है तो ये जीरो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट निकाला और कैसे हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया तो अभी अभी हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे काउंट करते हैं तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या होता है तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन है राउंडिंग अब राउंड ऑफ़ करना नंबर्स को आपने पहले भी देखा ही होगा तो हम यूजुअली नंबर्स को राउंड ऑफ़ करते ही हैं तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ पांच नंबर लिखे हैं और यहाँ कहा है कि इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें राउंड ऑफ़ करना है तो मैं चाहता हूं यहां पर आप वीडियो पॉज करें और अपने राउंडिंग ऑफ के नॉलेज से इन सारे नंबर्स को इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें मैं आशा करता हूं कि आपने सारे वैल्यूज को राउंड ऑफ कर लिया होगा तो हम फाइनल वैल्यू देखने से पहले देख लेते हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं तो राउंड ऑफ करते वक्त हम सबसे पहले डी डिजिट जो अनसर्टन डिजिट है उसे देखते हैं अब अनसर्टन डिजिट का क्या मतलब है अनसर्टन डिजिट का ये मतलब है कि जब मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो जो मेरा तीसरा डिजिट होगा वो अनसर्टन डिजिट होगा इस केस में ये मेरा अनसर्टन डिजिट है तो जब मैं अनसर्टन डिजिट डी को देखता हूँ तो मुझे कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं सबसे पहला रूल कि अगर डी फाइव से कम हो तो मैं डी को सीधा ड्रॉप कर दूंगा बिना कोई भी वैल्यू चेंज किए तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मुझे ट्वेल्व पॉइंट थ्री को दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है थ्री जो है वो फाइव से कम है इसका मतलब है मुझे इसे ड्रॉप कर देना है और मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा ट्वेल्व सेकेंड रूल हमें कहता है कि अगर डी फाइव से ज़्यादा है तो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय वन एंड ड्रॉप डी यानी उससे पहले वाली डिजिट को मुझे वन से बढ़ाना है और डी और उसके आगे सारे डिजिट्स को ड्रॉप करना है क्लियरली अगर मैं डी को ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसके आगे सारे डिजिट्स को भी ड्रॉप करूंगा तो इस केस में मुझे इस नंबर को तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर मेरा अनसर्टन डिजिट सिक्स हो जाता है अब सिक्स क्लियरली फाइव से ज़्यादा है तो मैं उससे पहले वाली डिजिट को एक से बढ़ाऊंगा और सिक्स और उसके बाद की सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा इस केस में मेरा फाइनल वैल्यू बन जाएगा फोटीन पॉइंट सिक्स थर्ड रूल ये कहता है कि अगर डी फाइव के बराबर है तो आई एम श्योर ये दो वैल्यूज़ आप सबको सही आई होंगी लेकिन जब d5 के बराबर हो जाता है तो हमारे रूल स्लाइटली चेंज हो जाते हैं जो हमें पहले से पता थे तो ये कहता है कि अगर d5 के बराबर है तो उसकी प्रिसीडिंग डिजिट c को हम देखेंगे अब C जो है अगर इवन है तो मुझे D को ड्रॉप करना है अगर वो ऑड है तो मैं C को एक से बढ़ाऊँगा और D को ड्रॉप करूँगा इसका क्या मतलब है तो थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो 1.35 को मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है तो अनसर्टन डिजिट मेरा फाइव है जब ये फाइव हो जाता है तो मैं उससे पहले वाले डिजिट को देखूँगा अब अगर वो इवन है तो मुझे डी को ड्रॉप करना है ऑड है तो इसको एक से बढ़ाना है तो क्लियरली थ्री जो है वो ऑड नंबर है तो मैं इसे एक से बढ़ा दूंगा मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा वन पॉइंट फोर सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस नंबर को तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है अनसर्टन डिजिट फिर से फाइव हो गया अब प्रिसडिंग डिजिट इस केस में सिक्स है जो कि इवन है इसका मतलब है मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और मेरा नंबर बन जाएगा वन फोर्टी सिक्स तो ये मेरे सिंपल केसेस हो गए अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है 1.3499 और मुझे दो डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है तब तो मैं क्या करूंगा तो बहुत टेम्प्टिंग है कि मैं इस नाइन को बढ़ा दूं और इसे 1.35 कर दूं और इसे 1.4 तक राउंड कर दूं लेकिन वो गलत हो जाएगा तो राउंडिंग ऑफ में जब भी हमें जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना है उसका उसके आगे एक ही डिजिट देखना है तो यहाँ पर फोर मेरा अनसर्टन डिजिट है इसका मतलब है मैं उसके बाद के डिजिट्स को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा तो यहाँ अनसर्टन डिजिट फोर है जो फाइव से कम होता है तो इस, इस डिजिट को मैं ड्रॉप कर दूंगा इसके बाद के सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा वन पॉइंट थ्री तो आई होप आपको क्लियर होगा कि राउंडिंग ऑफ की रूल्स क्या है और कैसे हमने उसे अप्लाई किया है